तो भैया हुआ क्या कि जब हमने हिंदुस्तान में गाड़ी चलानी शुरू करी बचपन में, तो हमसे किसी ने कहा कि बेटा अब जो है तुमने हिंदुस्तान में गाड़ी चला ली है, अब तुम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओगे ना, फेल नहीं हो सकते। अभी वो शख्स अगर सामने आ जाए ना, बस खैर नहीं उनकी। Anyway, welcome back to the channel. My name is Abhinav and today we are going to talk about what does it take to have a British driving license. अब होता क्या है कि हिंदुस्तानी जो हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान में गाड़ी चलाई हुई होती है, ठीक है, वो जब यूके आते हैं, जब ब्रिटेन आते हैं, तो वो जो है ना तो उनसे पैदल चला जाता है और ना ही उनसे साइकिल चलाई जाती है। अच्छा, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा या फिर वर्क वीज़ा में आ रहे हैं या फिर स्पाउस वीज़ा में भी आ रहे हैं, तो आप पहले एक साल तक जो हैं आप यूके में अपने इंडियन लाइसेंस पर आप गाड़ी चला सकते हैं। मगर उसकी वजह से होता क्या है, आपका जो इंश्योरेंस होता है वो बहुत महंगा हो जाता है। तो हुआ क्या कि जब मैं यहाँ पे आया तो मेरे को लगा कि ओके लेट्स बाय अ कार। तो मेरे को एक गाड़ी पसंद आई जो कि छोटी गाड़ी थी, स्विफ्ट थी। अब मैंने जो है उसका इंश्योरेंस की वेबसाइट में जाकर के मैंने देखा कि इसका इंश्योरेंस कितना होता है, बिकॉज आई वॉज अ फॉरनर और क्योंकि मेरे पास ब्रिटिश लाइसेंस नहीं था, तो उसका इंश्योरेंस जो दिखा रहा था मेरे को पहले साल का, वो दिखा रहा था 1800 pounds, जो कि इंडियन रुपीज़ में होता है 1,80,000। अब भैया, अब हिंदुस्तान में हम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराने वाले हैं, हिंदुस्तान में हम ऑल्टो चलाते थे, 4,000 rupees का इंश्योरेंस आता था साल का, कहाँ 4,000 rupees, कहाँ 1,80,000 rupees। मेरे को लगा कि अब जो है हमको ब्रिटिश लाइसेंस जो है लेना पड़ेगा। इससे पहले हम ब्रिटिश लाइसेंस की बात करें, हम पहले बात करते हैं इंडियन लाइसेंस। इंडियन लाइसेंस जो है हमको किस तरीके से मिलता है, तो एक काम करते हैं, पहले तो देखते हैं मेरा इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। एक लाइसेंस जो है मेरा चोरी हो गया था, उसके बाद जो है डुप्लीकेट निकाला मैंने, और डुप्लीकेट की हालत भाई साहब देखेंगे, देखिए हंसीएगा नहीं, क्योंकि अब ये देखिए, जब मेरा लाइसेंस ये बना था तो उस समय फिल्म आई थी तेरे नाम, तो भाई का स्टाइल थोड़ा सा राधे भैया वाला है इसमें। एनीवे, तो ये हैं आपके अभिनव वरुण रेविस आज से 12 साल पहले। ना कोई थ्योरी टेस्ट, ना कोई प्रैक्टिकल। अब वहाँ पे जो जनाब बैठे थे, उन्होंने अपने चेले को बोला कि जरा इनकी ड्राइविंग टेस्ट करके आओ। तो मेरे साथ वो गए, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि बेटा एक काम करो, वहाँ से चक्कर लगा के आओ वापस। तो मैंने बोला आप बैठेंगे मेरे पीछे, तो बोलते हैं नहीं नहीं आप एक चक्कर लगा के आ जाओ, मैं यहीं से देख रहा हूँ। अब ट्रैफिक चल रहा था, मैं बोला ठीक है, मैं गया, गियर लगाया मैंने, मोटरसाइकिल का चक्कर काट के मैं वापस आया उन्हीं के सामने सामने 100-200 meters मुश्किल से। उन्होंने बोला बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी ड्राइविंग कर रहे हैं आप, वेरी गुड। और उन्होंने जो है मेरा लाइसेंस अप्रूव कर दिया, 2 minutes में मेरे को लाइसेंस मिल गया, ठीक है, ना ही केवल मोटरसाइकिल का मगर कार का लाइसेंस भी। तो ये थी मेरे इंडियन लाइसेंस की कहानी। अब बात करते हैं ब्रिटिश लाइसेंस की। तो भाई ये होता क्या है कि यूके में आपका जो लाइसेंस का प्रोसीजर होता है वो स्टार्ट होता है प्रोविजनल लाइसेंस से। तो देखिए, जैसे हमारे हिंदुस्तान में लर्निंग लाइसेंस होता है, वैसे यहाँ पे प्रोविजनल लाइसेंस होता है। प्रोविजनल लाइसेंस में जो है आप ऐसे व्यक्ति के साथ आप गाड़ी चला सकते हैं जिसके पास 3 साल पहले से यूके का फुल ड्राइविंग लाइसेंस हो। मगर हाँ, उसके साथ भी आपको इंश्योरेंस लेनी जरूरी है। अगर किसी गाड़ी है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि जैसे हिंदुस्तान में आपने किसी भी चाबी ली और गाड़ी लेके आप चल दिए, यहाँ पे जो है आपको गाड़ी के साथ इंसान का इंश्योरेंस होना जरूरी है। तो प्रोविजनल लाइसेंस के बेसिस पे आप जो है थ्योरी टेस्ट बुक करते हैं, और थ्योरी टेस्ट के होते हैं यहाँ पे 2 parts। पहले पार्ट में जो है आपको 4 options दिए रहते हैं, आपको एक पिक करना पड़ता है, उसमें 50 questions होते हैं, मगर उसके लिए क्या होता है आपके पास लिमिटेड टाइम होता है। और जो सवाल होते हैं उसमें सवाल ऐसे नहीं होते हैं कि बिल्कुल ही सरल सवाल, उसमें सवाल होते हैं कि अगर बरसात हो रही है, आप 70 miles की स्पीड से अगर आप जा रहे हैं, ठीक है, और आपको एकदम ब्रेक लगाते हैं, तो आपकी गाड़ी जो है कितने मीटर पर रुकेगी, आप बता पाएंगे? आप अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी, अगर आपने याद नहीं करा, तो आप कैसे बताएंगे? आपका भाई भी चला गया बिना पढ़े। अब वहाँ पे आए 50 questions, ठीक है। अब 50 में से आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं 43 correct answers। तो भाई गया आपका, भाई ने टेस्ट दिया, टेस्ट दे के जब मैं बाहर निकला तो उन्होंने बोला कि सॉरी सर, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट टाइम। तो मैंने बोला अरे क्या हो गया? तो जब मैंने टेस्ट रिजल्ट देखा तो देखा उसमें भाई के 50 में से 41, 2 numbers से भाई फेल हो गया। बोले तो बड़ी बेइज्जती वाली बात है कि भैया हम तो इतने साल से गाड़ी चला रहे हैं, यहाँ पे आकर हम फेल हो गए, वो भी थ्योरी में। प्रैक्टिकल की तो बात छोड़ो, अभी थ्योरी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं घर आया, घर आके फिर मैंने क्या करा, मैंने बोला भैया अब तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस करे तो ये पास होगा नहीं। भाई खूब तैयारी करी, ऐप भी डाउनलोड करी, ठीक है, ऐप मैं डाल दूंगा लिंक में कि कौन सी ऐप है। मैंने सारे रूल्स सीखे जो यहाँ पे साइंस होते हैं, रोड साइंस जो होते हैं वो सब सीखे मैंने, टर्मिनोलॉजीज जो होती हैं वो सीखी सारी। उसके बाद जो है फिर मैं टेस्ट के लिए गया, भाई ने फिर दोबारा टेस्ट दिया, और इस बारी भाई के आए 50 में से 47, जो कि एक बहुत अच्छा स्कोर है। तो भाई ने वो थ्योरी टेस्ट पास कर लिया। उसके बाद आपके पास सिर्फ 2 साल होते हैं अपना प्रैक्टिकल पास करने के लिए। तो अच्छा, प्रैक्टिकल टेस्ट की जो फीस होती है वो होती है 62 pounds, मतलब कि हिंदुस्तानी रुपये में अगर आप देखें तो 6,200 rupees, ठीक है। आप फेल होते रहेंगे तो बार बार जो है आप फीस भरते रहेंगे। मगर आपके प्रैक्टिकल टेस्ट से पहले एक चीज़ होती है जिसमें जो है सबसे ज़्यादा पैसा लगता है यहाँ पे यूके में, वो होता है ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है।
अच्छा, यहाँ की गवर्नमेंट जो होती है रेकमेंड करती है कि आप कम से कम 44 घंटे जो हैं आप प्रैक्टिस करें अपने प्रैक्टिकल टेस्ट लेने से पहले। अब ये महंगा क्यों होता है? वो इसलिए महंगा होता है क्योंकि यहाँ पे जो आप लेसन लेते हैं, ड्राइविंग लेसन जो लेते हैं, उसकी जो फीस होती है वो होती है 2500 से 3000 रुपये पर घंटा, यानी कि 25 पाउंड से लेके 30 पाउंड पर आवर। अब आप ये लगा लीजिए कि अगर आप 44 घंटे जो है अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो 44 × 30 = 1320 pounds। तो भाई ने बोला कि हम तो इतनी गाड़ी चलाई है, हमने इतने सालों गाड़ी चलाई है हिंदुस्तान में, हमने जो है 10-15 लेसन लेंगे, उसके बाद जो हम टेस्ट बुक कर देंगे। तो मेरे जो ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने बोला कि या श्योर, इफ़ यू फील कॉन्फिडेंट लेट्स गो फॉर इट। मैंने बोला ठीक है बिल्कुल। 10-12 या 15 लेसन लिए मैंने, उसके बाद मैंने टेस्ट बुक कर दिया। टेस्ट की फीस होती है 62 pounds। अब मैं गया टेस्ट में, फेल। बड़ी शर्मिंदगी फील हुई। मैंने अपने कुछ दोस्तों को बताया हिंदुस्तान में, वो यकीन ही नहीं करने को तैयार हो, बोल रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अभिनव का जो है वो टेस्ट फेल कर दें, वो भी ड्राइविंग में। बिल्कुल भी नहीं। थोड़े लेसन और लिए, दोबारा टेस्ट देने गया मैं, फिर फेल। मैंने फिर से लेसन लिए, और लेसन लिए मैंने, फिर गया मैं तीसरी बार टेस्ट देने के लिए, तीसरी बार भी फेल। तो मैंने बोला भैया अब जो है अब तो मेरे को ढंग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वरना ये फेल करते रहेंगे और पैसा जो है खर्च होता जाएगा। तो उसके बाद जो है मैंने ढंग से प्रैक्टिस करी, अच्छे से मैंने जो है रूल्स को सीखा। तब मेरे को वाला डायलॉग याद आया जो मेरे को हिंदुस्तान में बोला था किसी ने कि बेटा अगर तुमने हिंदुस्तान में गाड़ी चला ली तो कहीं पे भी गाड़ी चला सकते हो। मैंने बोला ये है बाबा जी बिल्कुल गलत। सी आई सी माई सेल्फ एज अ वेरी कॉन्फिडेंट ड्राइवर। टेस्ट के लिए भी मैं जा रहा था, जब मैं अपने टेस्ट देने के लिए, तो आई वॉज नॉट एट ऑल नर्वस। मैं नर्वस बिल्कुल भी फील नहीं कर रहा था, मगर मैं गलतियाँ कर रहा था, स्टूपिड मिस्टेक्स कर रहा था। ठीक है, अब होता क्या है यहाँ पे, वो बोलते हैं कि अब अगर आपको कहीं मुड़ना है तो इंडिकेट करिए, मगर इंडिकेट करने से पहले जो है आपको रियरव्यू मिरर जो है वो चेक करने हैं, साइड मिरर्स जो है चेक करने हैं, आपको शोल्डर चेक करना है। ठीक है, अब वो सब चीज़ें जो आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि आपने देखा और बस ऐसे ही, जो टेस्ट ले रहे होते हैं आपको उनको दिखाना पड़ता है ढंग से कि भैया मैं जो हूँ रियरव्यू मिरर में देख रहा हूँ, मैं साइड मिरर्स में देख रहा हूँ, मैं शोल्डर चेक कर रहा हूँ, ब्लाइंड स्पॉट्स जो है मैं वो चेक कर रहा हूँ। ये जो होता है कई बार हम मिस कर देते हैं क्योंकि हम हिंदुस्तान में जिस तरीके से हम गाड़ी चलाते हैं तो कई बार जो है हमको ये चीज़ एक तो सिखाई नहीं जाती, वहाँ पर कोई टेस्ट नहीं होता है। तो चौथी बार जब मैंने टेस्ट दिया तो चौथी बार में भाई आपका हो गया पास। ठीक है, जिस दिन मैं बता रहा हूँ भाई साहब, जिस दिन मेरे को लाइसेंस मिला ना, उस दिन जो है मेरे को चैन की सांस मिली। इससे पहले क्या होता, ऐसा लग रहा था कि जो है पैसे का नलका आपने खोल दिया और पैसा जो है जाए जा रहा है, बह रहा है पैसा, बिल्कुल इस तरीके से लगता है पैसा। अब मेरे को ध्यान नहीं है कि मैंने एग्जैक्टली कितने लाइसेंस लिए, बट राउंड अबाउट आई स्पेंड अबाउट 2000 पाउंड्स टू गेट माई ब्रिटिश लाइसेंस। दिस इज फॉर लाइफ बाय द वे। अच्छा, ब्रिटिश लाइसेंस की एक खूबी होती है कि ये लाइसेंस जो आपका इंटरनेशनल लाइसेंस की तरह काम करता है, ये जो है आप पूरे यूरोप में आप यूज़ कर सकते हैं, आप इसको अमेरिका में यूज़ कर सकते हैं, आप इसको ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी एशियन कंट्रीज है जहाँ पे आप इस लाइसेंस को आप यूज़ कर सकते हैं, आपको इंटरनेशनल लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। तो भैया ये थी हमारे ब्रिटिश लाइसेंस की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं, आपको एजुकेट करूं, देन प्लीज लेट मी नो। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। दिस बीन अभिनव फ्रॉम ब्रेवेस्ट। टिल देन लिव फॉर।